स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन ऐसे डाइटरी फैक्टर होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में इनकी जरूरत होती है, पर ये इतने 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 कंपलसरी होते हैं कि इनकी अगर एब्सेंस हो जाए तो बहुत ही खतरनाक स्पेसिफिक कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में, जिनको बोला जाता है डेफिशिएंसी डिजीजेस। विटामिन्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए डी ई और के विटामिन आती है, विटामिन ए डी ई और के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन बी, विटामिन बी यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ, यहाँ पे विटामिन बी, विटामिन बी। और फैट सॉल्युबल इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये फैट्स में डिजोल्व हो जाती हैं कंप्लीटली, और इनकी एग्जांपल है विटामिन ए डी ई और के। वाटर सॉल्युबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। तो जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो तो बॉडी में स्टोर होकर रह जाते हैं फैट्स के साथ साथ, पर जो वाटर सॉल्युबल है तो पानी के साथ साथ ये बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाते हैं, तो इनका रेगुलर इनटेक जो है इसलिए काफी जरूरी है। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन आती है जो विटामिन बी 12 है। विटामिन बी 12 ये कई मंथ्स तक हमारे लिवर में स्टोर होकर रह सकती है, इसलिए एक्सेप्शन आती है वाटर सॉल्युबल विटामिन के बीच में। वैसे डिजीजेस जो विटामिन की कमी से हो जाती है उनके बारे में हम जानेंगे, और विटामिन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनोल, और इसकी कमी से जीरोप्थैल्मिया हो जाती है जिससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन बी 1 इसको बोला जाता है थायमीन, और इसकी कमी से हो जाती है बेरीबेरी। बेरीबेरी एक डिजीज है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज है। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन बोला जाता है इसको, और इसकी कमी से डर्मेटाइटिस, हीलियोसिस, डार्क रेड टंग हो जाती है। कीलोसिस को हम आगे डिस्कस करते हैं, और डर्मेटाइटिस स्किन की इंफ्लेमेशन को कहा जाता है। विटामिन बी 3 पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है इसको, इसमें भी डर्मेटाइटिस यानी स्किन की इंफेक्शन इंफ्लेमेशन और बॉडी और मेंटल की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती इसमें, वो रुक जाती है। विटामिन बी 5 नायासिन बोला जाता है, पेलेग्रा और डर्मेटाइटिस, पेलेग्रा को हम आगे डिस्कस करते हैं। विटामिन बी 6 पाइरिडॉक्सिन या एडरमिन बोलते हैं, डर्मेटाइटिस और कन्वुलजंस। कन्वुलजंस वो होते हैं जो जैसे कोई इंसान जब ज्यादा वीक होते हैं, उनको फीवर चढ़ा होता है, मान लो हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है तो उनको ना अचानक से ऐसी उनकी बॉडी अचानक से ऐसी चौक जाती है, ऐसी मूवमेंट हो जाती है अचानक से अपनी बॉडी में, सडन मूवमेंट्स होती है ऐसी कि वो इंसान पूरा चौक जाता है एकदम से, और इंसानों को लगता है कि वो कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं। मान लो वो सो रहे थे बेड पे आराम से, लेकिन उनको लगता है कि वो ऊंचाई से गिर के बेड पे पड़े हैं अचानक से, उनकी अचानक से यूं आंखें खुलती हैं लाइट की तरह, और या तो उनको लगता है कि मैं बेड से गिर रहा हूँ, तो उस हिसाब से भी वो बिल्कुल चौंक जाते हैं, तो इस हालत को बोलते हैं कन्वुलजन। ये भी विटामिन बी 6 की कमी से होती है। और विटामिन एच को ही विटामिन बी 7 कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है बायोटिन, और इसकी कमी से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, पैरालिसिस हो सकती है और डर्मेटाइटिस स्किन की इंफेक्शन। विटामिन बी 12 साइनोकोबालमिन बोलते हैं इसको, इससे पर्निशियस एनीमिया हो सकता है, बहुत ही खतरनाक खून की कमी होती है ये। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, और इसकी कमी से हो जाती है स्कर्वी। स्कर्वी के सिम्टम्स होते हैं ब्लीडिंग गम्स, गम से खून आना, ब्रूजिंग। ब्रूजिंग होता है दोस्तों स्किन के नीचे जो कैपिलरीज होती हैं ब्लड की वो ब्रेक हो जाती है, तो खून वहां पे भी फैल जाता है आपस। और फटीग ये भी इसके सिम्टम्स हैं। और विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन, इससे हेमोरेजिक कंडीशंस हो सकती हैं, यानी खून का बहना कहीं पे। और विटामिन डी अर्गो कैल्सिफेरोल,
अर्गो कैल्सिफेरॉल बोलते हैं इसको, और इसकी कमी से हो सकता है रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स विद ऑल्सो ऑस्टियोमलेशिया एंड सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल टीथ, दांत और हड्डियां जो है सॉफ्ट और कमजोर हो जाते हैं, काफी वीक हो जाते हैं, और हड्डियों की ये हड्डियों की बहुत ही वीक हालत को बोला जाता है रिकेट्स। विटामिन ई टोकोफिरोल, से हो सकती है स्टेरिलिटी यानी लॉस ऑफ फर्टिलिटी, और विटामिन पी हिस्परिडीन या साइट्रिन बोला जाता है इसको, हेमोरेज या इन्फ्लेमेशन हो सकती है इससे भी, या ये दोनों हो सकती है। कोएंजाइम Q10, इससे हो सकती है इम्यूनिटी कम, बहुत सारी जो डिजीजेज है उनके खिलाफ जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है हमारे शरीर की अगर इस चीज की कमी रह जाए। इम्पोर्टेंट जो हमने पहले कहा था कि पेलेग्रा को और कीलोसिस को हम आगे डिस्कस करेंगे, पेलेग्रा नाइसिन की कमी से होती है, ठीक है, और 4G से ये मैनिफेस्ट करती है खुद को। पहले तो फोटो सेंसिटिव डर्मेटाइटिस होती है, स्किन की इन्फ्लेमेशन, डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस और लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, फटीग वगैरह, और डायरिया इन लूज मोशन, और फाइनली डेथ। ये बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है। कीलोसिस, कीलोसिस में क्या होता है कि जो होंठों के आसपास जो क्रैक्स पड़ जाते हैं इससे, और इंसान स्माइल भी नहीं कर सकता, कुछ बोलने या खाने के लिए मैं मुंह खोलेगा तो भी खून निकलेगा वहां से, तो जो लिप्स होते हैं ना उनके ऊपर भी स्केलिंग हो जाती है, वो हार्ड हो जाते हैं स्किन पूरी, कुछ भी इलास्टिसिटी होती है लिप्स की और जो स्किन की वो सब चली जाती है इससे। बहुत ही खतरनाक मेडिकल कंडीशन है ये भी। ओ, ये वीडियो आपको पसंद आया हो और कुछ सुझाव वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।